गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, मैं अर्चना श्रीवास्तव। मैं आज क्लास सिक्स के बच्चों को संस्कृत में पाठ 16 पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ 16 का नाम है संबंध षष्ठी विभक्ति। ठीक है, जब कोई शब्द दूसरे शब्द के साथ अपना संबंध प्रकट करे तो उसे संबंध कहते हैं। संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है। इसके चिन्ह हैं का, के, की, रा, रे, री। उदाहरण, ठीक है, फिर से देख ले। जब कोई शब्द दूसरे शब्द के साथ अपना संबंध प्रकट करे तो उसे संबंध कहते हैं। संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है। इसके चिन्ह हैं का, के, की, रा, रे, री। अब इसके उदाहरण को हम लोग देखते हैं। सूर्यस्य किरणा उष्णा भवन्ति, चंद्रस्य किरणा शीतला भवन्ति। सूरज की किरणें गर्म होती हैं, चंद्रमा की किरणें शीतल होती हैं। ठीक है, शुकस्य वर्ण हरिता भवन्ति। सुग्गे का रंग क्या होता है? हरा होता है। काकस्य वर्ण कृष्णा भवति, कौवे का रंग काला होता है। पिकस्य वर्ण अपि कृष्ण भवति, कोयल का रंग भी काला होता है। काकस्य स्वर कर्कश भवति, कौवे का स्वर कर्कश होता है। कर्कश यानी कि करा, जैसे कर्कश कान को अच्छा नहीं लगने वाला। कौवा कैसे बोलते हैं? काँव काँव काँव। पिकस्य स्वर मधुरा भवति, और कोयल की आवाज़ जो है वो मीठी होती है। कू कू करके कोयल बोलती है। ठीक है, अस्या लताया पुष्पा नाम वर्ण श्वेता अस्ति। इस लता के फूलों का रंग कैसा है? उजला है, श्वेत है। तस्या लताया पुष्पा नाम वर्ण रक्त अस्ति, और उस लता के फूलों का रंग लाल है। सा का अस्ति, वह कौन है? सा प्रिया अस्ति, वह प्रिया है। सा किम सा तव मित्रम, क्या वह तुम्हारी मित्र है, दोस्त है? आम सा मम मित्र, हाँ वह मेरी दोस्त है। सा मम एव कक्षायाम पढ़ती, वह मेरी ही कक्षा में पढ़ती है, वह मेरे क्लास में पढ़ती है। यम का अस्ति, यह क्या है? यम पुष्पाणाम माला अस्ति, या फूलों की माला है। माला या पुष्पाणाम वर्ण मनोहरा अस्ति, माला के फूलों का रंग मनोहर है। मनोहर किसको कहते हैं? जो मन को हरने वाला, मन को अच्छा लगने वाला। पुष्पाणाम गंध अपि मन मोहक अस्ति, और फूलों का गंध भी कैसा होता है? मोहक होता है। फूलों का सुगंध मोहक होता है, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखें, सह कह अस्ति, वह कौन है? ऐसा विद्यालय अस्ति, यह विद्यालय है। अस्य विद्यालयस्य भवनम विशालम अस्ति, इस विद्यालय का भवन कैसा है? विशाल है, बहुत बड़ा है। अस्य विद्यालयस्य छात्रा किं कुर्वन्ति, इस विद्यालय के छात्र क्या करते हैं? अस्य विद्यालयस्य छात्रा पठन्ति क्रीडन्ति वदन्ति हसन्ति च, इस विद्यालय के जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ते हैं, खेलते हैं, बोलते हैं और हंसते हैं। अस्य विद्यालयस्य छात्रा समय कार्यं कुर्वन्ति, इस विद्यालय के जो छात्र हैं वे समय पर कार्य करते हैं। ते निपुणा योग्या छात्रा सन्ति, वे कैसे छात्र हैं? निपुण हैं और योग्य भी हैं। ठीक है, एतत् कस्य पुस्तकम् अस्ति, या किसका किताब, या किसकी किताब है? एतत् वरुणस्य पुस्तकम् अस्ति, या वरुण की पुस्तक है। ऐसा कस्य लेखनी अस्ति, या किसकी लेखनी है? ऐसा प्रियाया लेखनी अस्ति, या प्रिया की लेखनी है। ठीक है, इस पाठ को हम लोग पढ़ें।
शायद आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत होगी तो कहिएगा, मैं फिर से पढ़ाऊंगी। तब हम लोग अब शब्दार्थ की ओर चलते हैं। शब्दार्थ को याद कर लीजिएगा। शब्दार्थ को याद कर लेने से होता है कि पाठ पढ़ना आसान हो जाएगा। जैसे सूर्यस्य, सूर्यस्य सूर्य की, उष्णा गर्म, चंद्रस्य चंद्रमा की, किरणा किरणे, रेज जो होता है शीतला ठंडी, सुकस्य तोते का, वर्ण रंग कलर, काकस्य कौवे की, पिकस्य कोयल की, स्वर आवाज, कर्कश कठोर, मधुर मीठी, स्वीट वॉयस जिसको बोलते हैं, श्वेत सफेद, वाइट रक्त लाल रेड कलर का, ठीक है, अस्या इसका स्त्रीलिंग में, तस्या उसका स्त्रीलिंग में, तव तुम्हारा, मम मेरा, आम हाँ यस, पुष्पाणाम फूलों की, माला माला, मालाया मालाया मीन्स क्या, माला के, गंध सुगंध, भवन भवनम भवन, विशालम बहुत बड़ा, निपुणा निपुण क्लेवर, कस्य किसकी पुलिंग में, या किसकी किताबें अभी वो पढ़े ना, है ना, कस्य किसकी, ठीक है, स्त्रीलिंग में, मोहक मनोहरा आकर्षक, है ना, ठीक है। तो इसको हम लोग पढ़ लिए, इसका शब्दार्थ भी पढ़ लिए। तो आप सभी बच्चों इस पाठ को फिर से पढ़िएगा। अगर कहीं कोई दिक्कत होगी तो कहिएगा, मैं फिर से बताऊंगी। धन्यवाद बच्चों।